हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो होगा एल्डोसेस एंड कीटोसिस के बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर एल्डोसेस एंड व्हाट आर द कीटोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम जो है वो मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स का मतलब होता है दोज कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं उन्हें एल्डोसेस और कीटोसेस में डिवाइड किया जाता है। तो एल्डोसेस का क्या मतलब होता है, एल्डोसेस का मतलब होता है वहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि उस मोनोसेक्राइड में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, CHO। और जो कीटोसिस का मतलब है कि उस मोनोसेक्राइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी अ कीटोन, एक कीटोन जो है वो प्रेजेंट होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाती हैं एल्डोसिस एंड कीटोसिस की डेफिनेशंस। तो ट्रायोज, अब ट्रायोज की अगर हम बात करें, ट्रायोज का मतलब नाम से पता चल रहा है ट्राई, यानी कि उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। टेट्रोजिस का मतलब है उसके अंदर 4 प्रेजेंट होंगे कार्बन एटम्स, क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4। ऐसे ही पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम्स, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी मोनोसेक्राइड के अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो होगा ट्रायोज, और एल्डोसिस के अंदर यानी कि उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और एक CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है तो उसके अंदर एग्जाम्पल हो जाता है अपना ग्लिसरेल्डिहाइड। तो प्लीज़ ये आप एग्जाम्पल्स की, बेसिकली आज ये एग्जाम्पल्स के लिए जो है वो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये इस टेबल से आप जो है वो इजीली जो है वो एग्जाम्पल्स को स्टडी करने कर पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे। तो ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन्स होते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर भी 3 कार्बन्स होते हैं। टेट्रोजिस में एल्डोजिस का एग्जाम्पल है एरिथ्रोज, और कीटोजिस में दैट इज एरिथ्रूलोज। पेंटोज की अगर बात करें तो राइबोज, जाइलोज एंड एराबिनोज, और किटोसिस की बात करें तो राइबुलोज एंड जाइलुलोज। हेक्सोज की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सोजेस में जो है दैट इज़ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के एपिमर हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि दीज जो हमारे ये हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये तीनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हम कह सकते हैं है, और ये हेक्सोजेस हैं। और ऐसा जो इकलौता 6 कार्बन एटम जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एक कीटोसिस होता है तो वो एक फ्रक्टोज होता है। तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को मेक श्योर ज़रूर देखिएगा। और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।